Bangladesh and Afghanistan, that means the people of Pakistan are facing poverty or ghurbat ka muqabla jo wo kar rahe hain is worse than that of our neighbors. Aur hum samajhte hain ki is sab ka jo zimmedar hai, the reason the people of Pakistan are suffering, ye hamara selected hukumat ki wajah se, ye isliye ki 2018 ke elections hi nahi the, selections the, aur jo hamara establishment ka siyasat mein amal dakhil ka natija mein hukumat bana hai, jinki wajah se aaj bhi unka hukumat jari hai, ye jar hai, yahi wajah hai, this is the main cause for all the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, aur hum establishment ka jo siyasat ka role raha hai, jo hamara establishment ka siyasi amal dakhil raha hai, usme hum usme break dale, usko khatam kare, aur Pakistan mein asal jumhuriyat ka haqeeqi jumhuriyat ki taraf bharte jaye. In this situation, Pakistan People's Party ki Central Executive Committee ne M ka faisla ke 31st December tak sare membrane assembly ke istifay apne party qiyadat ke paas jama honge. Ye faisla Pakistan People's Party ki Central Executive Committee ne endorse kiya hai. Pakistan People's Party ki Central Executive Committee ne jo 31st deadline diya gaya hai is hukumat ko, is selected Wazir-e-Azam ko, ki khud istifa do, khud ghar chale jaye, warna hum aapko ghar bhejenge. Pakistan People's Party ki Central Executive Committee 31st January ka deadline ko bhi endorse karti hai. Pakistan People's Party ki Central Executive Committee jo PDM ka All Parties Conference APC ka resolution hai aur action plan hai, usko bhi Pakistan People's Party ne endorse kiya hai aur zor diya gaya hai कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहां हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए, और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं उनको, इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए. हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड ना जायज ना लायक ना अहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पर चैलेंज करना चाहिए. हम समझते हैं कि हमें इस नालायक ना जायज नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए. हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए. हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए. हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए,
डट के उनका मुकाबला करना चाहिए, और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिलके मुकाबला करते हैं, अगर हम मिलके उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने फेयर साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, और जो 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसिस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसिस के खिलाफ आवाज उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसिस सूबों के साथ ना इंसाफी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तलाफात और एतराजात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराजात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसिस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसिस को माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसिस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज किया है। हम समझते हैं कि ये हम सबका इश्यू है, पूरा पाकिस्तान का इश्यू है। अगर सेंसिस सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक खास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसिस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे, और मिलके इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इश्यू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है, उसका भी मजम्मत की गई, और मुतालबा किया कि जो आने वाने इलेक्शंस का सिलसिला जो आजाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए, और जो ना इंसाफी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पे जो कब्जा किया जा रहा है, उसका ना सिर्फ हमने मजम्मत की है, मगर ये फैसला लिया है कि हम उन जमातों के साथ राब्ता करेंगे जो इस इशू पे भी एतराजात रखते हैं, उनके साथ
मिलके इस मूव के खिलाफ जो मज़हमत होना है हमें मिलके करना चाहिए। ये सिंध के माहीगीरों के आइलैंड्स है, ये बलूचिस्तान के माहीगीरों के आइलैंड्स है, और हमें सब मिलके एक होके इसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा मगर एहतजाज करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से राबता करेंगी जो इस पर अभी से भी एहतजाज कर रहे हैं, और इस इन इश्यूज को हमारा पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है हम उसमें भी रेज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि हम अब खुद राबता करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ तबके के साथ जो इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लेबरर्स के साथ इजारे यकजहती के लिए और उनके मसाइल की हल के लिए, उनके मसाइल पर एहतजाज करने के लिए मिलकर काम करने चाहते हैं। हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं लेबर यूनियंस के लिए, खास तौर पे जैसे ये स्टील मिल का के साथ जो नाइंसाफी हुआ है रिसेंटली यहाँ कराची में, हमारा पीआईए में, हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉज है उनके साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो यहाँ के कराची के लोगों को वो इस्लामाबाद ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ है हमारे लेबर के साथियों के साथ। हम उनको उनके इश्यूज़ को वो हमारे इश्यूज है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान का नुमाइंदे रहे हैं। ज़रात का अगर ज़रात के सेक्टर में तरक्की हुआ है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ, जो किसान के साथ जुल्म हुआ ऑब्वियसली हमने पहले भी कंडेम भी किया, खास तौर पे जो पंजाब में उनका एहतजाज के वक्त नाइंसाफी हुआ, लेकिन जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक हम मिलके एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक हम किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं दिलवा सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी राबता करेंगे, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स के बहनों भी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे भी हम राबता कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स से भी हम राबता कर रहे हैं, और लॉयर्स के साथ भी हम राबते कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो एहतजाज है तब तक उसमें हम उतना कामयाब नहीं होंगे जब तक ये जो हकीकी इश्यूज है और ये जो हकीकी अवाम के फोरम्स है और ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे साथ नहीं दे। इस लिस्ट में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई तहरीक कामयाब हुआ है, चाहे वो 60s में हो या उसके बाद हो, शहीद बीबी के वक्त में हो, सो इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के तुलबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इस वक्त जो इस मुल्क के तुलबा जो स्टूडेंट्स जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। ये इस मुल्क के स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिकल स्टूडेंट्स हो या आपके लाहौर के स्टूडेंट्स हो, सारे के सारे सरापा एहतजाज है कि उनका एग्जामिनेशंस पे नाइंसाफी हुआ है, उनको अपना यूनियन साजी का हक नहीं दिया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब जो फोरम्स है इनके साथ मिलके और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मिलके इस हुकूमत का मां को काबला करें। मैं देख रहा हूं एक बात रह गया हमारा पार्लियामानी पार्लियामेंटेरियन और नून लीग की पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हुआ है।
हम इस गिरफ्तारी का मज़हमत करते हैं, जैसे हम हर सियासी गिरफ्तारी का मज़हमत करते हैं। ये इंतकाम की रवाया और सियासी इंतकाम की रवाया पाकिस्तान की जम्हूरियत और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ है, और इसलिए हम इसका भरपूर मज़हमत करते हैं। अब जो भी आपने सवाल पूछना है। जो मेरा सी सी के फैसले थे और जो मेरा सी सी का राय है वो तो मैंने आपके सामने रख लिया है। अब ना जहां तक उस सी सी की मीटिंग में अगर किसी एक मेंबर ने क्या कुछ राय का इजहार किया, राय के इजहार तो काफी हुए और उनका हमारा पार्टी में ये हक है, मगर ये भी आई मीन इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका ये भी हक है कि मैं आपके सामने ना कन्फर्म करूँ ना डिनाई करूँ ऐसा कोई जो आप बात उठाना चाहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट समबडी सेड इन दैट मीटिंग। इस्तीफा देंगे और सेनेट इंतखाबात को नहीं होने देंगे, क्योंकि सेनेट इंतखाबात को रोकने के हवाले से जो पीडीएम थी वो मुत्तहिद थी, लेकिन ये तासुर हुकूमत की तरफ से बार बार आ रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। आज तक भी यही उनकी बात है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगी, तो क्या आज सेंट्रल कमेटी ने उस बात की तस्दीक कर दी कि सेनेट इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी? जहां तक पीडीएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और उसका एक्शन प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जुनेद अब उसका कॉपी जर्नलिस्ट के साथ शेयर करें। हमारा पार्टी का मौकफ है कि हमें उसी एपीसी के जो एक्शन प्लान है उसके तहत चलना चाहिए। अब तक पीडीएम ने सिर्फ ये फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक हमने अपने पार्टी के कायदीन के पास ये इस्तीफे जमा करना चाहिए, और जहां तक हुकूमत की तंकीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस पे फैसला आज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है कि हम उस फैसला को एंडोर्स करते हैं कि हम आपस में अपने पास ये इस्तीफे जमा भी कर रहे हैं। हमने इस बात को भी एंडोर्स किया कि 31 जनवरी का जो वजीर आजम का डेडलाइन है और जो एक्शन प्लान अब आपके पास शेयर होगा वो भी हमने एंडोर्स किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करें। ये मेरा सीईसी का राय है। अब ये सीईसी का राय पीडीएम के सामने पेश होगा और हतमी फैसला पीडीएम की कंसेंसस के साथ और मेरा सीसी के अप्रूवल के साथ होगा। मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकबिल करीब में देखी गई हैं। आपके मर्दान जलसे के वादे से कहा गया कि आप नाराज थे नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहां उतारे गए, फिर लाड़काना में जेयूआई ने उसका बदला लिया और उनका वहां ना कोई वर्कर था ना कोई बेटा था, जलसा पीडीएम का था लेकिन पीडीएम का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था, तो ये क्या ये इसको आप खुलकर एतराफ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान? जहां तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जरूर वहां थे, फरतुर बाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो है जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है जो शुरू दिन से पीडीएम के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें,
मैं जानता हूं कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीखी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप पीडीएम के खिलाफ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहां तक इस वजीर आजम की हटाने की बात है, जहां तक हमारा एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, पीडीएम एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। जमीनी इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती। लाभी आप पार्लियामान के अंदर होंगे, सेनेट के इंतखाबात भी तब लड़ पाएंगे जब आप सेनेट में होंगे, इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात थी, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने यह राय दी कि या नवाज शरीफ भी वापस आए वतन आए और इस पूरी एक मिनट जहां तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the central executive, the opinion of the central executive committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement ki APC. तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभी तक पीडीएम भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब पीडीएम फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम पीडीएम के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आएंगे जहां तक सेनेट इलेक्शंस है और इमरान खान का जाना है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए जबरदस्त, फिर भी आप सेनेट इलेक्शंस का ऑप्शन हमारा पार्टी का तजवीज है। और जहां तक अगर वो नहीं करता है तो फिर, अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको जबरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं not going to share with you right now. कहां से? डॉन। आसिफ अली जब्बार साहब ने कहा कि मुझे बेटे इंतकाम है और बिलावल को प्लीज है, तो आज जो पार्लियामेंट में रहने का उनकी जो बात थी, लोज हो गई सीएसी ने की है कि पार्लियामेंट में रह जाए, सिंध असेंबली के फोरम पे भी, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी, इसको आपने लोज किया और इस पार्लियामेंट में रहेंगे, रहते हुए आप तमाम इश्यूज को रेज करेंगे? नो, एब्सोल्युटली। जो हमने आपके सामने हमारा तजवीज ले किया है और हमारा पार्टी का फैसला ले किया है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हूँ। और जहाँ तक वो दूसरा सवाल है, वो तो पीडीएम के साथ हम सब मिलके कंसेंसस में फैसला लेंगे, आज खुद फैसला नहीं लिया। मैं उधर जाता ही बिना आस्किंग फॉर अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो मौजूदा मैं नहीं समझता हूं कि यह हुकूमत 5 साल या अगर हमारा इसको जो इनऑर्गेनिक इलिजिटिमेट सपोर्ट जिस जो इस हुकूमत को हासिल है, जिस तरीके से
ये जबरदस्ती हुकूमत खड़ा किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि वो अगर एक दिन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, एक दिन के लिए एस्टैब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल बंद करे, उसी दिन यह हुकूमत गिरती है. दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एंड नॉट अ प्राइम मिनिस्टर दैट कैन फॉर्म अ मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान. दे हैव बीन डिलीवर्ड अ मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान. यू एक्सप्लेन टू मी हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ पार्टी लाइक द MQM इज सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट दैट इज जस्ट इंडोर्स द सेंसस. You explain to me how GDA, how BAP aur dusre jo Balochistan se taluq rakhne wale siyasatdan hain, wo kaise is hukumat ke saath khade hain jo Balochistan aur Sindh ke awam ke saath gas ke issue pe bhi naansafi kar rahe hain, unka islands pe kabza kar rahe hain, wo sirf isliye na chahte hue bhi is hukumat ke saath hain ki unko majboor kiya ja raha hai. To hum समझते हैं कि जमहूरियत में आपको हर इत्यार को इस्तेमाल करना चाहिए, हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, और हर तरीके से हम इस हकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे. हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी, और हां, इस्तीफा हमारा एटम बॉम्ब है. पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ऐसा फैसला कंसेंसस नहीं हुआ कि हम इसको रूल आउट करें. जहां तक जहां तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अगर मैं मौकिफ आपको बताऊं, दैट वुड बी अनफेयर टू देम. एंड हमारे अंदर ये फैसले लेने का एक फोरम है, तो उस पर मैं बिल्कुल इस तरीके से कमेंट नहीं करूंगा. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौकिफ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ सियासतदान के लिए मगर सबके लिए होना चाहिए. ये हमने वाजे तौर पे अपने तकरीरों में भी किए हैं, अपना जलसे में भी किए हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो हमारा पार्टी का मौकिफ है. जहां तक बात करने की बात है, मैं आज भी समझता हूं अब ये वक्त बात करने का नहीं, काम करने का है. हमारे सामने, जमहूरी कुव्वतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमने मैं नहीं समझता हुकूमत 5 साल रहेगी. MQM जैसी जमात हुकूमत को कैसे